एवरीवन, मेरा नाम शिवम भारद्वाज है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैं जब आगरा से नोएडा आया था मास कम्युनिकेशन करने के लिए, तो स्टार्टिंग में मतलब मैंने जब देखा अपने सीनियर्स को, तो ना वो लोग उनकी लेवल बहुत हाई थी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आगे थे चीज़ों को लेकर, अपने करियर को लेकर। क्योंकि तो जब मैं मास कम्युनिकेशन करके आया तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि मुझे एंकर बनना है। लेकिन जब हम आए कॉलेज में, एंटर हुए और जब और लोगों से मिले, तो तब जाना कि अरे मास कम्युनिकेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली एक एंकर का काम नहीं है और भी। तो ये तो खैर टेक्निकल चीज़ें होंगी। तो जब मैं आया वहाँ तो मैंने देखा सब लोगों को, सब लोग अपने अपने उसमें फील्ड में लगे हुए थे। कोई क्या कहते हैं आरजे बनना चाह रहा था, तो कोई एंकर, कोई कैमरामैन, बहुत सारी चीज़ें। तो तब मैंने सोचा कि मैं क्या करने आया हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी और जब मैं किसी चीज़ में करता तो मैं फेल हो जाता, मतलब मैं कर ही नहीं पा रहा था उस चीज़ को, क्योंकि वो मैं पहचान ही नहीं पा रहा था कि मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ। तब मैं जब एक दिन कॉलेज से थका हुआ और अपने रूम पे आया, तब मैंने ये चार लाइन लिखी थी कि मे बी ये सबके साथ ही होगा, सब लोगों ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो ऐसे मैंने लिखी थी कि खिड़की पर बैठ के क्यों होता तू हताश है, खिड़की पर बैठ के क्यों होता तू हताश है, आसमां से निगाह मिला पहुंचना उसके पास है, मंजिल दूर नहीं है तेरी खुद को ढूंढना है तुझे, मंजिल दूर नहीं है तेरी खुद को ढूंढना है तुझे, रास्ते अपने आप मिलेंगे बस चलना है तुझे। तो बस यही मैंने चार लाइन लिखी थी और इतनी ही मेरी फीलिंग्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो थैंक यू।